ये लीजिए मैम आपका पिज्जा। ऑर्डर तो पेड है ना? जी मैडम, पेमेंट तो ऑनलाइन हो गई है। क्या हुआ? मैम वो बाहर ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मेरा फ़ोन भी डेड हो चुका है, तो मैं बस क्या थोड़ी देर के लिए अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा सकती हूँ? आ जाओ। थैंक यू मैम। बैठ जा। थैंक यू मैम। एक बात बता, तू इतनी बारिश में डिलीवरी कर रही है, तेरे घर में कोई है नहीं क्या? नहीं मैम, मेरे घर में मेरे पति हैं, बस उन्हीं के लिए तो अपना फोन चार्ज कर रही हूँ। घर में पति है तेरा और तू जॉब कर रही है, फोन चार्ज कर रही है अपने पति के लिए? तेरे पति के होते तुझे काम करना पड़ रहा है, तेरा पति कुछ काम धाम नहीं करता क्या? नहीं मैम, अभी वो एक्चुअली जॉब नहीं कर रहे, पहले वो भी जॉब करते थे पर अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं। क्या है ना, उनको भी आपकी तरह वाइट कॉलर वाली जॉब चाहिए। इतना प्यार करती है क्या तू उससे? पति पत्नी के रिश्ते में प्यार तो बहुत ज़रूरी होता है ना मैम। आपको पता है जब वो जॉब करते थे तो मुझे रानी बनाकर रखते थे, बस उन्हीं के लिए तो फ़ोन चार्ज कर रही हूँ ताकि उनसे बात कर सकूँ, उनको ना टेंशन हो जाती है मेरी। तुम दोनों का प्यार तो बड़ा प्यारा है। देखिए मैम, उन्हीं का मैसेज आ रहा है, बोल रहे हैं कि बाहर बहुत बारिश हो रही है तो तुम अपना ध्यान रखना। ये देखिए मैम, फिर से मैसेज आया, बोल रहे हैं कि बैगन की सब्जी बना के रखी है तो जल्दी घर पे आ जा, साथ में खाएंगे। मैम मेरा थोड़ा सा फ़ोन भी चार्ज हो गया है, मैं घर तक पहुंच जाऊंगी और बाहर बारिश भी बंद हो गई है तो मैं चलती हूँ अब। क्या हुआ तुम्हें? वो मैंने सुबह तुमसे कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी की ना, उसके लिए माफ़ कर दो मुझे। आज के बाद कभी भी ऐसे तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। अरे हनी, तुम आज ऑफिस नहीं गई? वो आज ना मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं था तो मैंने रेस्ट लिया है। अच्छा ठीक है, सुनो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, क्या तुमने मेरे लिए लंच बनाया है? यार तुम 15,000 की जॉब करते हो और मैं कंपनी में HR हूँ, आज मेरा मन था ऑफ लेने का, मैंने ऑफ ले लिया और तुम चाहते हो कि इसमें भी मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? ठीक है कोई बात नहीं, पेटीएम कर दूंगी तुम्हें, बाहर जाके खा लेना। पैसे हैं मेरे पास, मैं खुद भी खा सकता हूँ, जा रहा हूँ मैं। सॉरी। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हुआ क्या, तुम एकदम से इतना चेंज क्यों होगी? वो आज मुझे कोई प्यार का मतलब बता के चला गया। अच्छा लेकिन वो कौन? अच्छा तुम वो सब छोड़ो ना, मैंने तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाई है, तुम जल्दी से जाके मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपने वीडियो देखी, अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा मोटिवेशन कुछ भी मिला है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके पास भेजो, उनको दिखाओ कि ना ये सारी वीडियोज आप सबके लिए हैं। और अगर आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, कोई आपका लाइफ का इंसिडेंट है जो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, हमारे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताओ, हम उस पर वीडियो बनाएंगे आप सबके लिए। और है ना हमें फॉलो कर लो और वीडियोज़ को ऐसे ही प्यार देते रहो। राम राम।